अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विद अ न्यू डे। सुबह उठ के मैं देखा तो मौसम काफ़ी खुशगवार था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं सफाई कर रही थी और बाहर आते देखा तो मैंने तेज़ बारिश हो रही थी। और बारिश भी माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत के एक साइड पे डार्क हुआ था और दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं वो बिल्कुल खाली हुआ था दरम्यान में से। खैर, यहाँ पर ये सब चलता रहता है, मौसम ऐसा ही होता रहता है, कभी बारिश है कभी धूप है। मौसम का फ़ायदा उठाते हुए आज बना रहे थे रेसिपी में फ़िश बर्गर्स। इसकी रेसिपी आपको अनवार कुजींस में मिल जाएगी। आई विल मेंशन द लिंक ऑफ द चैनल, यू कैन गो एंड विजिट दैट चैनल। इट वाज सो डिलीशियस। मैं एक्चुअली डाइटिंग प्रोग्राम चल रहा था मेरा, मैं खा तो नहीं सकी, लेकिन बस हम रह कहाँ सकते हैं, मैंने फिर भी चखा था। इट वाज टेस्टी, इट वाज डिलीशियस। इसको जिंगर की तरह करके बनाएंगे, वरना आपको पता है बोनलेस फिश जो होती है वो फ्रोज़न होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देती है, जिसकी वजह से फिर वो अजीब सा सोगी हो जाता। सो यहाँ पर बर्गर की तैयारी चल रही थी और ये था जी मेरा लंच मील, जिसमें मैंने ये मैं आपको बताऊंगी, अगर किसी को चाहिए भी रेसिपी तो कैन आस्क मी फॉर डाइटिंग। आपको कुछ नहीं खाना, आपको सैलड खाना है लेकिन ख़ास तरीके से खाना है। और यहाँ पे देखें जी फिश सिंगर रेडी हो रही थी, ज़बरदस्त किस्म की यार, दिल कर रहा था बहुत खाने को पर मैंने नहीं खाया। ये था कुछ इसका फाइनल लुक इस तरह से। उसके बाद जब हम बाहर गए थे वहाँ पर मैंने देखा एक पौधे पर, मुझे लगा फाल से लगे हुए हैं, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आज उसको तोड़ने की कोशिश की और जब मैंने तोड़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये फालसा नहीं है, ये तो अंजीर है जिसे हम फिग भी कहते हैं। अभी ये बहुत छोटी थी, आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे, लेकिन मैं इसको घर लेके आई देखने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी दरख्तों पे लगी होती हैं, लेकिन जिस साइज़ की ये थी ना मुझे फालसा ही लग रहा था। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाऊँगी, खोलने पर ही मुझे भी पता चला कि ये अंजीर है। सुभान अल्लाह, ऐसी चीज़ें हम लोग नॉर्मली पाकिस्तान में पहाड़ों वाले एरियाज़ में होंगे उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोग जो के मैदानी इलाकों से आते हैं हम लोगों को नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें हैं। बहरहाल बहुत ही दिल खुश हुआ मेरा देख के, वैसे भी आई एम क्रेज़ी ऑफ नेचर टू एक्सप्लोर इट एंड टू नो अबाउट इट, सो इट वॉज़ फन फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देखना। इसको मैंने बड़े ड्राई किए बगैर बड़े साइज़ में फ्रेश भी इस तरह दूसरों पर लगे देखा है, लेकिन ट्रस्ट मी वो लुक और ये लुक इज़ इंटायरली डिफरेंट, कुछ इस तरह से आप देखें। अच्छा जी, उसके बाद ये कि मेरा फ़ोन जो है उसका फ्रंट प्रोटेक्टर बदीरा ने उतार के उसको स्टिकर बना के खेल दिया था, बिकॉज शी इज़ अ फ़ैन ऑफ स्टिकर्स, सो आई ऑर्डर स्टिकर। मैं मार्केट गई, वहाँ पे इतना एक्सपेंसिव मिल रहा था, ऑनेस्टली जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं। सो मेरे अपने हस्बैंड का सेम फ़ोन है, वी डिसाइडेड कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, तो ये टेम्पर ग्लास मंगवाया था और ये देखें कितना ज़बरदस्त था। उसके साथ ही उसके सारी चीज़ें उन्होंने भेजी हुई थी। और हम लोग बाज़ार जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फिर एक्स्ट्रा पे करते हैं और पैसे यार इतनी मेहनत से कमाए जाते हैं, क्या ज़रूरत है ज़ाया करने की। इसलिए यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि हर काम हम खुद कर सकते हैं, सो वी डिसाइडेड कि हम इसको मंगवाएंगे और घर पर लगाएंगे। ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी, इसका भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये क्या थी। और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं यहाँ पे फटाफट पकड़ पकड़ के चीज़ें देख रही थी। नॉर्मली आता है लगता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट था ग्लास वगैरह ना। और मुझे ये होता है कि फ़ोन मेरा कभी मेरे पास है कभी बच्चों के पास होता है, बच्चे गिरा देते हैं, इसलिए आई प्रेफर कि इसके ऊपर जो है वो ग्लास लगा लिया जाए ताकि गिरने से बचे बेचारा। ये दो पैकिंग्स थी और दोनों में पूरी पूरी चीज़ें थी, हम चेक कर रहे थे कि चीज़ें पूरी आ गई हैं नहीं आ रही, अभी इसको लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो कि इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान में भी हमारी ये रूटीन थी, यहाँ पे भी बहुत से पाकिस्तानियों की ये रूटीन है कि हम लोग जाते हैं दुकान पे, एक तो वक्त ज़ाया करते हैं, वक्त की कीमत जो है ना वो आपको अब्रॉड आके बहुत अच्छे से पता चल जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें फ़ोन की स्क्रीन को अच्छी तरह से स्वाइप करके जो उन्होंने साथ दी होती हैं, उसके बाद एक लिक्विड था वो लगा के, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ वो लिक्विड ग्लू यू कैन से, उसको ऊपर रख के स्क्रीन के और हम प्रोटेक्टर ऊपर रख देंगे, वो ऑटोमेटिकली जो लिक्विड है वो स्प्रेड होता जाएगा और आपका ग्लास जो है उस पर पेस्ट होता जाएगा। ये इट्स टाइम गेनिंग एंड इट्स नॉट परफेक्टली डन, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ बबल्स रह गए थे, बट ये है कि ऑब्वियसली इंसान को कर करके सारा कुछ करना आ जाता है। उसके बाद जो ये थी जी यूवी लाइट जो मैं आपको दिखा रही थी, इट वॉज़ यूएसबी कनेक्टेड, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। आपको शायद गर्ल्स कैन रिलेट आई थिंक सो, कि ये नेल्स के लिए हम जब नेल पेंट लगाते हैं तो उसको ड्राई करने के लिए यूवी लाइट्स यूज़ करते हैं, इट इज़ सेम लाइक दैट बट द शेप वॉज डिफरेंट। दोनों पैकिंग्स में दोनों आई और मैं अपने हस्बैंड को हंस रही थी कि ये तो मेरे काम की चीज़ आ गई है बगैर ऑर्डर किए। एनी हाउ जी, हम इंजॉय करते हैं यहाँ पे ये कि कैसे लग रहा था। इसके बाद ये जो यूवी लाइट है ये इस पर लगी ग्लू को ड्राई करने के काम आती है, देखें कुछ इस तरह से।
इसको हम लोगों ने इस वक्त लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया था। ओवरऑल दिस इज़ लाइक यू कैन यूज़ इट विद एनी चार्जर, बट उस वक्त लैपटॉप जो है वो पास ही पड़ा हुआ था तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर लिया। ये थी ग्लू और ये थी वाइप्स। ग्लू है जिसको लगाने के बाद ऊपर टेम्पर ग्लास रखा था। ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ पैकिंग है। यहाँ खाली स्पेस पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़ोन रख के आप इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ माई बिलवड फ़ोन कवर, आई लव इट रियली। और इसकी भी एक स्टोरी है बड़े मज़े की, मैं आपको बाद में बताऊँगी। बच्चों के लिए मैग्नेट आए हुए थे तो बिरीरा यहाँ पे सब मैग्नेट्स को कलेक्टिवली रख के सारे टॉयज बिखेर के लैपटॉप के ऊपर पानी वाली बॉटल्स रख के अब कर कह रही थी कि उस मैग्नेट का बना रही थी नेकलेस और उसकी डॉल के ऊपर लगा रही थी, लेकिन उसको भी करना नहीं आ रहा था। सो आई हेल्प हर कि वो मैग्नेट का नेकलेस कैसे बनाए। फर्स्ट शी वॉज ट्राइंग ऑन हर सेल्फ, देखिए आप वो खुद नेक पे चेक करिए कि मेरे आ जाएगा। फिर मैंने थोड़ी सी इसकी हेल्प की। यार बच्चों का दिमाग, उनकी क्रिएटिविटी ऐसी ऐसी चीज़ें हमें सिखाती है ना, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी भी मतलब मैग्नेट की ब्रेसलेट या नेकलेस इस तरह बनाया हो अपनी डॉल के साथ खेलते हुए। और मैं तो इतनी कॉन्शियस ही मैं अपने बड़े होते तक ट्वाइस समेट के रखती थी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।